जय हिंद, वेलकम टू विजयपथ डिफेंस एजुकेशन पालमपुर। आज हिमाचल पुलिस का 2022 का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया है, तो इसके रिगार्डिंग मैथ सेक्शन और जीके और साइंस की वीडियो डल चुकी है, आप वहां से अपने आंसर चेक कर सकते हैं। आज डिस्कस करेंगे हिंदी के आंसर, जो आपके 16 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे उनके आंसर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सीरीज़ ए की बात करते हैं। सीरीज़ ए है हमारे पास, तो 17th क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर है, इसमें बोला गया था कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन डी, ज्योत्सना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, इसमें इनमें से कौन सा एक स्त्रीलिंग है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपके पास धनवती, ऑप्शन डी इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 था, उत्थान का विपरीत अर्थ क्या होता है, तो उत्थान का जो है वो बढ़ना और पतन का मतलब गिरना, तो विपरीत अर्थ इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पतन। उसके बाद था बह का बहुवचन क्या है, सबसे इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, बे। आई होप आप सभी के आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट जा रहे होंगे। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 21, शुद्ध संधि का चयन कीजिए, तो इसका जो सही अक्षर हमारा आएगा, सही संधि जो आएगी वो आएगी ऑप्शन बी, परिजमा इश्क, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 22 में, तो भाववाचक संज्ञा जो है वो होती है मिठास में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन 23 की बात करते हैं, अंत जल में गगरी छलकत जाए, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है छोटे आदमी का अधिक दिखावा, तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद आपके पास था क्वेश्चन नंबर 24, इसमें शुद्ध बर्तनी का आपको चयन करना था, इसका जो राइट आंसर आना था वो था उत्कंठित, ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, तो यहाँ पे बोला गया था जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको बोला जाता है अग्रज, ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को चेक करें, इस यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, आप इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा, जो इसकी ओरिजिनल आंसर की जो है वो आएगी एचपी पुलिस की तरफ से, वहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, सर्वथा भिन्न शब्द है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, अकेला। उसके बाद बात करते हैं जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसके लिए कौन सा शब्द हो सकता है, तो उसका जो शब्द जो हमारा आएगा वो है आपका ऑप्शन डी, अनोखा। उसके बाद बात करते हैं इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो कंठ के ऑप्शन दिए गए थे और एक नन ऑफ दीज था, इसका जो सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, कंठ। उसके बाद व्याख्या का संधि विच्छेद क्या है, तो व्याख्या का जो संधि विच्छेद आएगा वो है आपका बी जमा आख्या, ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अवकाश का विलोम क्या होता है, तो अवकाश का विलोम शब्द जो आएगा वो आएगा अनवकाश, ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, लास्ट क्वेश्चन है हिंदी के सेक्शन से, इनमें से कौन सी शब्द जो है वो संज्ञा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसमें भी आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो ओरिजिनल आंसर की जो एचपी पुलिस की तरफ से जो आपको दी जाएगी वहां से इस क्वेश्चन को आप क्लियर कर सकते हैं, वैसे इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।